हेलो दोस्तों, तो आज हम यहाँ पे आईडी लगाना सीखेंगे, क्योंकि आईडी लगाते वक्त कई लोगों के प्रॉब्लम आती है, तो उनको एसएमएस वगैरह नहीं जाते। तो परफेक्ट आईडी हम कैसे लगाते हैं, जैसे आपने अपनी वेबसाइट या एप्लीकेशन खोलते हो तो आपके यहाँ पे एक लॉग दिखेगा। आईडी लगाने के दो तरीके हैं। पहला जो है, आप अपनी आईडी में जाके लगा सकते हैं। यहाँ पे आप अपना आईडी नंबर और पासवर्ड डालेंगे, जैसे अभी मैंने यहाँ पे पहले से डाला हुआ है, तो आपका ये एप्लीकेशन जो है इस तरीके से खुल जाएगा। यहाँ पे जियोलॉजी में आपको ट्री खोलना है, और ट्री के अंदर देखना है कि आपको लास्ट में कोई जगह खाली है कि नहीं है, वहाँ पे आईडी आपको लगानी है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखो, ये ग्रीन कलर का है, सबके नाम लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से आईडी लगी हुई है। हम देखेंगे नीचे जा करके कि किसके नीचे आईडी लगी हुई नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे 1003 है, और 1003 के नीचे देखो यहाँ पे कोई आईडी लगी हुई नहीं है, ये खाली है, और ये इस टाइप है, तो इसका कलर का लोगो अलग है। तो हम यहाँ आईडी लगाने के लिए पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो एक हमारा फॉर्म खुल जाएगा, और हमें ये देखना है कि हमें किसके नीचे आईडी लगानी है, मतलब 1003 के नीचे आईडी लगानी है राइट में। तो यहाँ पर हम जो स्पॉन्सर आईडी है वो 1003 डालेंगे और राइट में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मान लीजिए हमें जो भी नाम लिखना है, जिसके नाम से आईडी लगानी है, उसका नाम लिख देंगे। यहाँ पे हम उसका नंबर लिखेंगे, और यहाँ पे हम यहाँ पे उसका जो है वो जेंडर सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से हमको प्रोडक्ट लेना है फ्री, और आई एग्री पे क्लिक करके सिर्फ एक बार साइन अप करना है। एक बार साइन अप करेंगे, थोड़ी देर वेट करना है, डू नॉट रिप्लेस का पेज आएगा, और आपकी आईडी जो है वो लग गई, मतलब ऑटोमेटिकली आईडी जो है जनरेट हो जाएगी, और उसके नंबर के नीचे उसके मोबाइल पर एक नंबर चला जाएगा, आईडी नंबर। यहाँ पे हम जैसे हम अपने ट्री में देखेंगे, देखो यहाँ दिखा रहा है कि उस बंदे की आईडी लग गई जिसकी हमने लगाई थी। ये तो है पहला ऑप्शन आईडी लगाने का। दूसरा, इससे भी इजी ऑप्शन ये है आईडी लगाने का, कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें किसकी टीम में आईडी लगानी है या किसके नीचे आईडी लगानी है। तो बिना एप्लीकेशन खोले, ये जैसे आप एप्लीकेशन खोलते हो, यहाँ पर प्लस का निशान है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वही रजिस्ट्रेशन का फॉर्म यहाँ से खुल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें किसके नीचे आईडी लगानी है उसका स्पॉन्सर आईडी यहाँ पे डालना है। मान लीजिए मुझे जैनिल माली 2127 के नीचे आईडी लगानी, तो मैंने यहाँ पे 2127 के नीचे आईडी नंबर डाल दिया। आईडी नंबर डालने के बाद यहाँ पे पोजीशन है, लेफ्ट या राइट मुझे सेलेक्ट करना है कि मुझे किस लेग में उसको लगवाना है। मान लीजिए अगर मैं लेफ्ट करता हूँ, लेफ्ट में कोई पहले से लगा हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा कि पहले से बंदा यहाँ पर ऐड है। राइट में है तो राइट में भी ऐसा कैसा ऑप्शन आ जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पे इसको लेफ़्ट में लगा देते हैं। ठीक है, लेफ्ट में कोई नहीं है तो आ गया। अब यहाँ पे जिस बंदे का हमें आईडी लगाना है, उस बंदे का नाम लिखना है। ठीक है, हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद जेंडर जो भी है, और उस पर प्रोडक्ट करेंगे फ्री, और आएगा फ्री क्लिक करके सिर्फ एक बार हमें साइनअप कर देना है, और उसकी आईडी लग जाएगी। हम ट्री में जाके देखेंगे तो आपको उसकी आईडी नीचे दिखा देगी, और मोबाइल के अंदर उसका एसएमएस चला गया होगा। हमें इसी कारण से इसी तरीके से आईडी लगानी है। हम जब भी आईडी लगाते हैं तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर खास हमको दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है, कि लेफ़्ट और राइट पोजीशन को सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। स्पॉन्सर आईडी हमें जिसके नीचे लगवाना है उसी का स्पॉन्सर आईडी डालना है। मान लीजिए कि आपके दोनों तरफ लोग लगे हुए हैं और आपने अपना स्पॉन्सर आईडी डाल दिया, तो आईडी नहीं लगेगी और बंदे को मैसेज नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये है आईडी लगाने का पूरा तरीका।